अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट आर्टिकल है। तो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर आपके पास जब इनपुट डाटा मौजूद हो, ज़्यादा सारे इनपुट्स हों और आप ये चाहते हों कि कोई एक इनपुट आउटपुट पर अपीयर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं और आप किसी टाइम पे चाहते हैं कि इनपुट नंबर 0 वो आउटपुट किस आउटपुट पे अपीयर हो, और किसी दूसरे टाइम पे आप ये चाहते हैं कि इनपुट नंबर 2 वो आउटपुट पे अपीयर हो जाए, किसी तीसरे टाइम पे आप चाहते हैं कि इनपुट नंबर 3 आउटपुट पे अपीयर हो जाए, एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं और आप ये चाहते हैं कि, और एक आपके पास आउटपुट है, आप ये चाहते हैं कि इन इनपुट्स में से कोई पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट पे अपीयर हो जाए या आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा सर्किट जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा कि इनपुट्स को सिलेक्ट करके, पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दे, उस सर्किट को हम मल्टीप्लेक्सर या मक्स कहते हैं। तो इन जनरल इसके अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो इसकी 2n अगर इनपुट्स हैं तो ये n इसके सिलेक्शन लाइन है, और इसका जो मक्स है इसको लिखते हैं 2n × 1, मक्स इसका साइज है, और एक इसकी आउटपुट होती है। तो मल्टीप्लेक्सर की हमेशा एक ही आउटपुट होगी और उसकी जो इनपुट्स हैं वो 2n इनपुट लाइंस होंगी और n इसमें सिलेक्शन लाइंस होंगी। तो बेसिकली ये जो सिलेक्शन लाइंस हैं या सिलेक्शन इनपुट्स हैं, ये डिसाइड करेंगी कि कौन सी जो इनपुट है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी। तो अभी हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं। अब जो डिफरेंट मक्सिस कॉमनली अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप n की वैल्यू 0 रखें, सॉरी n की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो ये 2 × 1 मक्स बन जाएगा, अगर आप n की वैल्यू 2 रखें तो ये बन जाएगा 4 × 1 मक्स, और अगर n की वैल्यू 3 रखें तो 8 × 1 मक्स। तो ये 2, 4 या 8 ये नंबर ऑफ इनपुट्स को शो कर रहे हैं, और 1 जो है क्रॉस के बाद जो 1 आ रहा है ये एक आउटपुट को शो कर रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है डिज़ाइन 2 × 1 मक्स। तो सबसे पहले हम 2 × 1 मक्स की ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, इसकी 2 इनपुट्स होंगी, I0 उसको कह दिया है फर्स्ट इनपुट को और सेकंड को I1 कह दिया है, और एक इसकी एडिशनल इनपुट होगी S को हम कहते हैं सिलेक्शन इनपुट या सिलेक्शन लाइन। तो अब इसकी फंक्शनैलिटी इस तरह है, अगर S की वैल्यू 0 है तो ये I0 पे जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा ABC या जो भी इनपुट यहाँ पे होगी वो I0 पे वो F के ऊपर आ जाएगी। तो बेसिकली जब S की वैल्यू 0 होगी तो F विल बी इक्वल टू I0, और जब S की वैल्यू 1 होगी तो F विल बी इक्वल टू I1। सो बेसिकली हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और हम S के ज़रिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी जो इनपुट है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाए। तो इसका अगर हम फंक्शन टेबल ड्रा करें तो ये इस तरह बनेगा, अगर S इज इक्वल टू 0 तो F विल बी इक्वल टू I0, और अगर S हमारे पास 1 हो तो F इज इक्वल टू I1। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ S जो कि सिलेक्शन लाइंस हैं, हम अपने I0 और I1 को या 2 इनपुट्स में से एक इनपुट को आउटपुट पे भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो इसकी अगर आप बोलियन इक्वेशन लिखना चाहें F की, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू Ṡ × I, क्योंकि S इज इक्वल टू 0 है तो F इज इक्वल टू I1 है, तो हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू Ṡ I0। अब ये I1 कब आ रहा है, जब S1 है, तो इसको लिखेंगे S into I1। तो अब एक चीज़ आप नोट करें कि ये फंक्शन टेबल नॉर्मल ट्रूथ टेबल से डिफरेंट है। हमने इस फंक्शन टेबल के अंदर जो ब्लॉक हम स्टडी कर रहे हैं जैसे उसका फंक्शनल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि वो काम किस तरह कर रहा है, और यहाँ से फंक्शन टेबल से इक्वेशन लिखने का ये तरीका है कि F इज इक्वल टू I0 व्हेन S इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Ṡ, क्योंकि S 0 है, साथ I0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और F इज इक्वल टू I1 व्हेन S इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि S1 है तो उसको S लिख दिया, प्लस S इंटू I1। तो ये हमारे पास इस मक्स की, ये जो ब्लॉक डायग्राम हमने बनाई है, इसका इंटरनल जो सर्किट होगा ये उसकी इक्वेशन आ गई, बोलियन इक्वेशन। तो आप इससे अगर आप सर्किट ड्रॉ करें इस इक्वेशन से,
तो ये हमारे पास बन जाएगा एस बार आई नॉट, तो एस इनपुट है, नॉट किया एस बार बन गया, तो ये एस बार आई नॉट सेकेंड एस इंटू आई वन, और ये एफ है आउटपुट है। तो ये 2x1 mux का इंटरनल सर्किट है। अब अगर आप ब्लॉक डायग्राम लेवल पे देखें तो इस सर्किट में 3 इनपुट्स हैं, एक आई ज़ीरो है, आई वन है और तीसरी है एस। आई ज़ीरो आई वन वो इनपुट्स हैं जिनमें से जिनको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और एस वो इनपुट है जिसकी मदद से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और एफ हमारे पास आउटपुट है। तो ये 2x1 mux का डिज़ाइन था। ओके, अब हम ज़रा मक्स का साइज बड़ा करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिज़ाइन 4x1 mux। ओके, अब जब हमारे पास 4x1 mux है तो इट मींस 4 इसकी इनपुट्स हैं, 1 इसकी आउटपुट है। तो अब इसकी सिलेक्शन लाइंस कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी, क्योंकि अगर ये 4 है तो 2 की पावर 2, और 2 यहाँ पे आएगा, जिस तरह के आपने यहाँ पे स्टार्ट में देखा। अगर हमारे पास 2 की पावर n इनपुट्स हों और तो n सिलेक्शन लाइंस होती हैं, अगर ये 4 है तो फिर ये 2 होगा। अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, जो पावर में 2 आ रहा है उतनी आपकी सिलेक्शन लाइंस बनेंगी। अगर आपके पास 8 इनपुट्स हैं i0 से लेकर i7 तक, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो जो पावर में 3 आ रहा है वो उतनी आपकी 3 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होंगी। ओके, अब ये हमारे पास है, हम डिज़ाइन करना जा रहे हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो अभी इसकी 4 इनपुट्स हैं i0, i1, i2 एंड i3। अब इन 4 इनपुट्स को हम सेलेक्ट करके आउटपुट पर सेंड करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल है हमारे पास अवेलेबल s1 और s0 के पास। तो इसका फंक्शन टेबल इस तरह बनेगा, s1 और s0, अगर ये 0-0 है तो f विल बी इक्वल टू i0। अगर ये दोनों इनपुट्स हम 0-0 कर देंगे तो f इज इक्वल टू i0। अगर i0 पे 0 है तो f 0 होगा, अगर आई नॉट पे 1 है तो एफ 1 होगा। जो आई नॉट पे हमने अप्लाई किया होगा वही एफ के ऊपर आएगा। इस तरह अगर एस को एस 1 को 0 कर दें, एस 0 को 1 कर दें, तो ये 1 का कॉम्बिनेशन है, तो आई 1 पे जो कुछ होगा वो एफ के ऊपर अपीयर हो जाएगा, या एफ विल बी इक्वल टू आई 1। इसी तरह जब एस की वैल्यू 1 हो और एस नॉट की वैल्यू 0 हो, तो ये 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो एफ विल बी इक्वल टू आई 2। इसी तरह जब एस 1 है और एस 0 1 है, दोनों 1 1 है, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इस केस में एफ इज इक्वल टू y3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन दी सिलेक्शन लाइंस, कि आप सिलेक्शन लाइन के ऊपर क्या डाटा अप्लाई कर रहे हैं, आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी इनपुट i0 से i3 के दरमियान में जो है वो कौन सी इनपुट आउटपुट के ऊपर अपीयर होगी। तो वो बेस करेगा कि आपने s1 और s0 के ऊपर क्या अप्लाई किया हुआ है। तो ये इसका फंक्शन टेबल है। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ फंक्शन टेबल से, तो f इज इक्वल टू आई नॉट जब s1 और s0 0 0 है। तो जिस तरह SOP की इक्वेशन लिखते हैं s1 और s0 0 0, तो s1 बार s0 बार मल्टीप्लाइड बाय ये जो आउटपुट हमारी रिक्वायर्ड है वो आई नॉट है। इस तरह f इज इक्वल टू i1 s1 बार, क्योंकि s1 0 है और s0 1 है, तो s1 बार इंटू s0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई i1। इस तरह f इज इक्वल टू i2 s1 इंटू s0 बार, और f इज इक्वल टू i3 s1 इंटू s0। ये हमारे पास इसकी बोलियन इक्वेशन बन गया। अब अगर आप इस बोलियन इक्वेशन से इसका सर्किट ड्रॉ करें तो वो आप लोगों को होपफुली आ गया होगा अब तक के बोलियन इक्वेशन गिवन हो तो सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। s1 है, s0 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट s1 बार, s0 का कॉम्प्लीमेंट s0 बार। तो ये फर्स्ट जो s1 बार s0 बार ये एंड गेट के साथ इम्प्लीमेंट होगा, या सेकंड एंड गेट सेकंड टर्म को इम्प्लीमेंट कर रहा है, थर्ड टर्म को, और फोर्थ को, और ये हमारे पास ओवरऑल सर्किट बन गया। तो अब ये ओवरऑल जो सर्किट है ये 4x1 mux का सर्किट है। अब इसमें आप 4x1 mux के अंदर अगर आपसे मैं पूछूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं 4 ये हैं i0 से i3 और 2 ये हैं, तो टोटल 6 इनपुट्स हैं। तो ये जो सिलेक्शन लाइंस हैं ये भी इनपुट्स होती हैं, और i0 से i3 ये भी इनपुट्स होती हैं, लेकिन सिलेक्शन लाइंस का जो इनपुट का फंक्शन है वो डिफरेंट है। ये बेसिकली ऐसी इनपुट्स होती हैं जो i0 से i3 तक
जो इनपुट्स हैं उनको सिलेक्ट करके आउटपुट के ऊपर सेंड करती हैं। तो ये जो इनपुट्स हैं S1 और S0 ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये I0 से I3 यहाँ पे कोई भी आप अपना डाटा वगैरह जो कुछ भी है उसको अप्लाई करके आउटपुट पे वो सेंड करवा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इस तरह आपको याद होगा डिकोडर के लेक्चर में क्वेश्चन था कि स्मॉल डिकोडर्स या छोटे साइज के डिकोडर्स को यूज करते हुए बड़े साइज का डिकोडर बनाएं। तो उसी तरह का क्वेश्चन मक्स के अंदर भी आता है कि आप छोटे साइज के मक्सिस को यूज करते हुए एक बड़े साइज का मक्स डिजाइन करें। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि डिजाइन 4x1 मक्स, 4x1 मक्स को डिजाइन करें यूजिंग 3 2x1 मक्सिस, और 3 छोटे 2x1 मक्सिस को यूज करते हुए आप एक बड़ा 4x1 मक्स का वो सर्किट ब्लॉक डायग्राम लेवल पर डिजाइन करें। तो अब हमने 2x1 मक्स को यूज करते हुए 4x1 मक्स का सर्किट डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने 3 जो है वो मक्स के ब्लॉक्स 2x1 के वो लगा देने हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, और इनकी इंटरनल जो इनपुट्स हैं आउटपुट्स वो मार्क कर देनी है। इसकी इंटरनल इनपुट है I0 और इसकी ये I1, ये इसकी I0 I1 आउटपुट, इन दोनों की F है, इसी तरह इसकी I0 I1 और आउटपुट F। तो आप बेसिकली समझ लें कि हमने 3 जो 2x1 मार्क्स हैं उनकी कॉपियां वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब हमारे पास 4x1 मार्क्स होगा तो उसकी 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी, क्योंकि 4 को अगर आप लिखें 2 की पावर 2 तो पावर में 2 आ रहा है, तो 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। अब हमने करना ये है कि जो ये एंड वाला मार्क्स है इसकी जो इंटरनल सिलेक्शन लाइन है उसको S1 कह देना है, और इन दोनों की जो इंटरनल सिलेक्शन लाइन S है उन दोनों को S0 के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो ये फर्स्ट मक्स की आउटपुट है वो I0 के साथ कनेक्ट कर देनी है, और सेकंड मक्स की जो आउटपुट है वो I1 के साथ, और ये हमने अपनी इनपुट्स असाइन कर देनी है, ये D0 D1 D2 एंड D3। तो ये हमारी एक्सटर्नल इनपुट्स हैं 4x1 मक्स की, और I0 I1 ये इंटरनल इनपुट्स हैं हर 2x1 मक्स की। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। अब ये देखें, जब when S1 is equal to 0, जब S1 0 होगा, यहाँ पे S1 0 है, तो I0 ये वाला इनपुट सिलेक्टेड है, और अगर S0 भी 0 है तो इधर से S0 0 है तो इस मक्स की ये I0 ये मतलब D2 सिलेक्टेड होगा, और यहाँ पे अगर आप S0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ से I0 या D0 सिलेक्टेड होगा। तो जब S1 0 है, S0 0 है, तो इस S1 के 0 होने की वजह से ये I0 सेलेक्ट हो गया, और इस S0 के 0 होने की वजह से ये I0 सेलेक्ट हो गया। तो इस I0 पे हमने D0 अप्लाई किया हुआ है तो इसको पाथ मिल गया, ये D0 यहाँ से होता हुआ, यहाँ से F में से होता हुआ, क्योंकि ये भी I0 अगर सिलेक्टेड है यहाँ से होता हुआ इधर अपीयर हो जाएगा, तो F विल बी इक्वल टू D0। अब ये वाला जो I0 है ये अपीयर नहीं हुआ क्योंकि आगे से इसका जो पाथ है वो ब्लॉक है, क्योंकि I0 सेलेक्टेड है। इस तरह जब S1 0 होगा, मतलब ये S1 0 है, तो अभी भी I0 ही सिलेक्टेड है, मतलब ये वाला पाथ आप कह लें कि कंप्लीट है, कि यहाँ से I0 से डाटा F के ऊपर आ सकता है। S0 जब 1 है, अब ये S0 अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, लेकिन इस पाथ से डाटा नहीं आएगा, इस वाले मक्स से डाटा जाएगा क्योंकि ये इसका I0 सिलेक्टेड है। ओके, जब S0 ये 1 होगा तो इधर से I1 सेलेक्ट हो गया, I1 पे D1 अप्लाई किया हुआ है, तो D1 यहाँ से होता हुआ I1 D1 I1 में आया, I1 से F के ऊपर गया, F से आगे I0 और F का पाथ कंप्लीट है, तो F विल बी इक्वल टू D1 हो जाएगा। इस तरह जब S1 को 1 करेंगे, अब जब 1 करेंगे तो इधर से I1 सेलेक्ट हो गया, S0 को अब ऊपर, क्योंकि I1 सेलेक्ट है, अब जो भी डाटा आएगा इस पाथ से आएगा, ये वाला पाथ अब आप कह लें क्लोज हो गया। जब S1 1 है तो इधर से I1 सेलेक्ट हो गया, S0 0 है तो I0 सेलेक्ट होगा जो कि D2 के इक्वल है, तो यहाँ से D2 से F और F से आगे I1 और फिर यहाँ पे F जो फाइनल है वो हमारा D2 बन जाएगा। इस तरह जब फाइनली S1 भी 1 हो जाएगा तो ये I1 सेलेक्टेड है, S0 भी 1 है तो ये I1 सेलेक्टेड है, तो यहाँ से डाटा होता हुआ ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से I1 सेलेक्टेड है, ये I1 सेलेक्टेड है, तो ये पाथ कंप्लीट हो गया। तो D3 यहाँ से
एफ के ऊपर अपीयर हो जाएगा, तो एफ विल बी इक्वल टू डी थ्री। तो अब आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द सिलेक्शन लाइन्स हमारा जो डाटा है वो आउटपुट के ऊपर अपीयर हो रहा है। तो ये इस ओवरऑल सर्किट की वर्किंग है। नेक्स्ट है डिजाइन 8x1 मक्सिस यूजिंग 2 4x1 मक्सिस एंड 2 1 2x1 मक्स। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है, 8x1 मक्स मतलब इसकी 8 इनपुट्स होंगी और 8 को अगर आप लिखें 2 की पावर 3 बनता है तो 3 इसकी सिलेक्शन लाइंस होंगी, और हमने 2 4x1 मक्स यूज़ करने हैं और 1 हमने 2x1 मक्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाएं, जो आपकी 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी S2, S1 और S0। जो S2 सिलेक्शन लाइन है बड़ी वाली MSB, वो इसके ऊपर अप्लाई कर दी 2x1 मक्स के फाइनल स्टेज पे, और इन दोनों की जो इंटरनल S1 S0 है वो हमने S1 और S0 उसका नाम रख दिया। अब जो ओवरऑल 8x1 मक्स बनेगा उसकी 3 सिलेक्शन लाइंस है S2, S1 और S0, और ये I0 से I3 ये इसकी इंटरनल इनपुट्स हैं फर्स्ट मक्स की 4x1 मक्स की। सेकंड 4x1 मक्स की I0 से I3 ये इसकी इंटरनल इनपुट्स हैं। तो अब हम जो एक्सटर्नल जो हमारी इनपुट्स बनेंगी 8x1 मक्स की, उसको हम D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 इस तरह मार्क कर देते हैं। अब इसकी वर्किंग भी उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर एक्सप्लेन की। अब यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब व्हेन S2 इज इक्वल टू जीरो, जब S2 जीरो होगा तो ये I0 सिलेक्टेड है, इट मीन्स कि I0 से F तक पाथ कंप्लीट है, और जब S1 जीरो है S0 जीरो है। अब क्योंकि I0 सिलेक्टेड है तो इस वजह से इस वाले मक्स से डाटा आ सकता है, ये वाला मक्स अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता। अब जब S1 जीरो है S0 जीरो है, तो जब यहाँ पे S1 जीरो होगा S0 जीरो होगा तो ये I0 सिलेक्ट हो जाएगा, और इस I0 पे D0 कनेक्टेड है, तो ये D0 यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ से होता हुआ ये इधर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका ये पाथ कंप्लीट हो गया, तो F इज इक्वल टू D0 बन गया। इसी तरह जब S2 इज इक्वल टू जीरो तो I0 सिलेक्टेड है, S1 जीरो और S0 1, तो ये 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये 0 है ये 1 है, तो ये I1 सिलेक्टेड हो गया। तो यहाँ से डाटा आया और I0 से होता हुआ F के ऊपर अपीयर हो गया। इसी तरह आप किसी भी पैटर्न के ऊपर चेक कर सकते हैं कि ये 8x1 की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ S2 1 है S1 1 है और S0 0 है, तो ये D6 को सिलेक्ट कर रहा है। कैसे? S2 1 है तो ये I1 सिलेक्टेड है, आगे S1 1 है तो इट मीन 1 और ये 0, तो ये 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ से I2 सिलेक्टेड है और I2 के ऊपर D6 अप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये D6 यहाँ से होता हुआ I1 से होता हुआ ये फाइनल F के ऊपर अपीयर हो जाएगा, तो F विल बी इक्वल टू D6। और अगर D6 इनपुट आपकी 0 है तो F0 होगा, अगर D6 1 है तो F1 होगा। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये 8x1 मक्स की इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग 2 4x1 मक्सेस एंड 1 2x1 मक्स। इसी तरह आपसे कोई दूसरा 16x1 मक्स का डिज़ाइन भी पूछा जा सकता है छोटे स्मॉल मक्सेस को यूज़ करते हुए। ओके, ये अभी तक हम मक्स और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी ब्लॉक डायग्राम लेवल पे कंकेटिनेशन देख रहे थे कि किस तरह मक्सेस को कंबाइन करके छोटे मक्सेस को कंबाइन करके बड़े साइज का मक्स बना सकते हैं। अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम किसी भी ट्रुथ टेबल को या बोलियन फंक्शन को मक्स को यूज़ करते हुए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बोलियन फंक्शन यूजिंग मक्स। ये एक ट्रुथ टेबल गिवन है, ABC इसकी इनपुट्स हैं और एक इसकी आउटपुट है F। तो ये नॉर्मल ट्रुथ टेबल है, ये किसी डिज़ाइन प्रॉब्लम का ट्रुथ टेबल हो सकता है या कोई भी ट्रुथ टेबल गिवन हो सकता है।
तो ये हर इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट गिवन है। क्वेश्चन यह है कि आप इस ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग मक्स। अब यहाँ पे आप नोट करें मक्स का साइज नहीं है गिवन कि कौन से 2x1 का यूज़ करना है, 4x1 मक्स यूज़ करना है, 8x1 मक्स यूज़ करना है या 16x1 मक्स या कोई और साइज। तो जब आपके पास मक्स का साइज मेंशन नहीं है तो आप फ्री हैं किसी भी साइज का मक्स चूज करके सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मक्स का साइज मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं इसको टू डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट करूँगा। फर्स्ट वे ये है कि पार्ट ए में मैं क्या कर रहा हूँ कि हम इस ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग 8x1 मक्स। तो 8x1 मक्स के जरिए अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो 8 को अगर आप लिखें तो ये 2 की पावर 3 बनता है, तो इसकी 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी। तो आपने क्या करना है कि 8x1 मक्स की ब्लॉक डायग्राम ये ड्रॉ करनी है। S2, S1, S0 ये इसकी इंटरनल सिलेक्शन लाइंस हैं, F इसकी आउटपुट है और I0 से I7 ये इसके इंटरनल इनपुट्स हैं। अब हमने क्योंकि हमारा अगर आप नोट करें ट्रुथ टेबल में 8 रोज हैं और मक्स की इनपुट भी 8 हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप क्या करें, आप जो ABC वेरिएबल्स हैं ये मक्स की सिलेक्शन लाइंस पे कनेक्ट कर दें। S2 A के साथ कनेक्टेड है, S1 B के साथ कनेक्टेड है, S0 C के साथ कनेक्टेड है और ये जितनी भी आउटपुट्स आ रही हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये है कि ये 0011110 ये आप अज्यूम करेंगे आप आउटपुट आउटपुट कॉलम उठाएं और एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई कर दें। ये देखें कि ये 0 यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 इधर 0 आ गया, ये 0 यहाँ पे 0 आगे, 4-1 है तो ये 4-1 यहाँ पे आ गए और ये लास्ट में 0 है तो ये 0 इधर आ गया। तो हमने बेसिकली जस्ट क्या किया, जो आउटपुट कॉलम है उसको डायरेक्टली इनपुट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह ये वाला जो सर्किट है ये इस ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसमें आप नोट करें ABC हमारा सिलेक्शन लाइंस के ऊपर है, अगर ए 0 होगा, बी 0 होगा, सी 0 होगा तो S2 भी 0 हो जाएगा, S1 भी 0, S0 भी 0, तो ये I0 को सिलेक्ट कर लेंगे। जब I0 सिलेक्ट होगा तो I0 पे जो भी डाटा है वो आउटपुट पे आ जाएगा और I0 पे इस टाइम पे 0 है तो F विल बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं जब ABC ट्रुथ टेबल में 0 है तो F हमें 0 ही रिक्वायर्ड है, वो ये आ गया। इस तरह जब आप इस पे 001 अप्लाई करेंगे तो I1 सेलेक्ट हो जाएगा, I1 सेलेक्ट होगा तो उस पे 0 आ रहा है और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा तो F इज इक्वल टू ज़ीरो जब हमने 1 का पैटर्न अप्लाई किया। जब हम A को 0 करेंगे, B को 1 करेंगे, C को 0 करेंगे तो I2 सेलेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमें F पे 0 चाहिए। तो ये देखें I2 सेलेक्ट हुआ, F पे 0 चाहिए तो वो यहाँ पे आ गया। इस तरह अब जब A 0 होगा, B1 होगा, C1 होगा तो I3 सेलेक्ट होगा और I3 पे हमें आउटपुट पे 1 चाहिए तो वो हमने पहले इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है तो F विल बी इक्वल टू I3 और I3 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह आप बाकी कॉम्बिनेशन पे भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट कॉम्बिनेशन जब तीनों इनपुट्स 1 है, F A भी 1 हो, B भी 1 हो, C भी 1 हो तो ट्रुथ टेबल में हमें F के ऊपर क्या चाहिए, 0। तो यहाँ पे देखें A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया तो ये तीनों 1 हो गए तो I7 सेलेक्ट होगा और I7 पे हमने 0 अप्लाई किया है और ये F is equal to I7 और I7 की वैल्यू 0 है तो F will be equal to 0। तो आप देख सकते हैं किसी भी ट्रुथ टेबल को मक्स से इम्प्लीमेंट करना कितना इजी है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल वाला इनपुट है, 3 वेरिएबल वाला इनपुट ट्रुथ टेबल है तो आप क्या करें कि आप ऐसा मक्स यूज करें जिसकी 3 सिलेक्शन लाइंस हो, तो वो सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी। ABC आप उसकी सिलेक्शन लाइंस पे अप्लाई कर दें और जो आउटपुट कॉलम है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें तो आपका सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया। अब जब आप ये सर्किट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ पे 0 कनेक्टेड है आप यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे और जहाँ पे ये 1-1 आ रहा है वहाँ पे आप VCC कनेक्ट कर देंगे, 5 वोल्ट जिसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक सर्किट, एक ऐसा ट्रुथ टेबल गिवन हो जिसके अंदर 4 इनपुट्स आ रही हो ABCD
और आपसे कहा जाए कि आप इसको मैक्स के साथ इंप्लीमेंट करें और मैक्स का साइज मेंशन ना हो, तो इस केस में सबसे सिंपलेस्ट इंप्लीमेंटेशन ये होगी कि आप एक ऐसा मक्स सेलेक्ट करें जिसकी 4 सिलेक्शन लाइन है, तो वो मक्स होगा 16x1 मक्स। तो आप क्या करें, ए बी सी डी इनपुट्स उस 16x1 मक्स की सिलेक्शन लाइंस पे अप्लाई कर दें, जो कि होंगी S3, S2, S1 एंड S0, और जो आपकी 16 आउटपुट्स होंगी वो आप उसकी I0 से I15 तक जो इनपुट्स होंगी वहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप इस तरह सबसे जो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है उस मक्स को मक्स के ज़रिए वो कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड वे इसको इम्प्लीमेंट करने का ये है, इसमें हमने 4x1 मक्स को यूज़ किया है। सेकंड वे ये है कि हम अज्यूमिंग कि मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ यूजिंग 4x1 मक्स। पहले हमने 8x1 मक्स को यूज़ किया था, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ सेम ट्रूथ टेबल यूजिंग 4x1 मक्स। अब जब हमने 4x1 मक्स यूज़ करने हैं तो आप देख सकते हैं 4x1 मक्स के अंदर अगर आप इसको 4 को लिखें 2 की पावर 2, तो इसकी 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। अब हमने क्या करना है कि जो ए और बी वेरिएबल्स हैं, ये अगर आप सर्किट में देखें, अब ए और बी वेरिएबल्स ये सिलेक्शन लाइंस के ऊपर हमने अप्लाई कर देने हैं। बाकी हमारे पास अब सी, वो सिलेक्शन लाइन सी के लिए तो अवेलेबल नहीं है, अब हमने सी को किसी तरह कॉम्पनसेट करना है। तो जब हम अब 3 इनपुट वाला वेरिएबल ऐसे मक्स के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइंस अवेलेबल हैं, तो आपने क्या करना है, MSB वाली जो वेरिएबल्स हैं उनको सिलेक्शन लाइंस के साथ कनेक्ट कर देना है कि AS1 के साथ कनेक्ट हो गया, BS0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बाकी जो सी रह गया वो इनपुट के ऊपर आएगा। किस तरह, अब हमें ये देखना है। देखिए, आपने सबसे पहले काम ये करना है कि जो आपका टू टेबल है उसको 2-2 के पेयर्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, ये दरमियान में लाइनें लगा देनी है। तो ये मैंने 4 पार्ट्स, आप कह लें कि जो 8 रोज थी उसके 2-4 लाइंस उसके अंदर मैंने लगा दी। अब जब ए बी 0-0 है तो अब हमारा ये फर्स्ट सेल बन रहा है 2 रोज, ए 0 है बी 1 है तो ये वाला सेल एक्टिव होगा, इस तरह एंड सो ऑन। ओके, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि जब ए और बी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया S1 S0 के ऊपर, तो I0 I1 I2 I3 के ऊपर क्या आएगा। अब ये देखें, जब ए 0 होगा बी 0 होगा तो I0 सिलेक्टेड होगा मक्स का। तो अब हमने देखना है अगर सी 0 है तो एफ 0 है, सी 1 है एफ तब भी 0 है। इट मीन्स दैट के जब ए 0 है बी 0 है, सी चाहे 0 हो सी चाहे 1 हो, एफ की वैल्यू हमेशा 0 रह रही है, एफ सी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमने लिख देना है एफ इज इक्वल टू 0 और ये 0 हमने I0 पे अप्लाई कर देना। सेकंड, जब ए 0 है बी 1 तो I0 सेलेक्ट हो जाएगा, जब हम यहाँ पे ए 0 करेंगे बी 1 करेंगे तो I1 सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है अगर सी 0 है तो एफ 0 है, अगर सी 1 है तो एफ 1 है। इट मीन्स कि जो सी की वैल्यू होगी वही एफ की वैल्यू होगी, तो हम लिख देंगे एफ इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी और एफ यहाँ पे सेम है, तो एफ इज इक्वल टू सी। तो आई वन के ऊपर हम सी अप्लाई कर देंगे, आई वन इज इक्वल टू सी बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जब ए 1 होगा बी 0 होगा तो I2 सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला I2। अब दोबारा हमने देखना है सी का और एफ का रिलेशनशिप, अगर सी 0 है एफ 1 है, अगर सी 1 है तब भी एफ 1 है। इट मीन्स कि जब ए 1 है बी 0 है उस टाइम पे सी चाहे 0 हो सी चाहे 1 हो, एफ की वैल्यू 1 ही रह रही है, एफ उस टाइम पे सी के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो एफ को हमने 1 कनेक्ट कर देना है। तो I2 विल बी इक्वल टू 1, तो ये I2 हमने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। फाइनली अगर हम ये देखें फाइनल कॉम्बिनेशन, जब ए 1 होगा बी 1 होगा तो I3 सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर उस टाइम पे अगर सी 0 है तो एफ 1 है, सी अगर 1 है तो एफ 0 है। इट मीन्स जो सी की वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अगर सी 0 है तो एफ 1 हो रहा है, अगर सी 1 है तो एफ 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। तो 4 एक पॉसिबल वेज इसमें आ सकते हैं, 0 आ सकता है, सी आ सकता है, 1 आ सकता है, या उसका कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। तो लास्ट केस में I3 को हम सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये हमारा आप सर्किट 4x1 मक्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट हो गया। ए बी यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी इनपुट्स, सी ये 0 वाली इनपुट ग्राउंडेड है, ये I2 वाला VCC के साथ कनेक्टेड है,
और सी और सी नॉट, यहाँ पे अगर आप एक नॉट गेट यूज़ करेंगे उसकी इनपुट सी होगी, वो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड आई वन के साथ, और नॉट गेट की जो आउटपुट है वो इधर आई थ्री के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा सर्किट वही ट्रुथ टेबल जो हमने ऊपर पार्ट ए के अंदर 8x1 मक्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किया था, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने उसको 4x1 मक्स के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह आप 2x1 मक्स के ज़रिए भी इसी ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर आपने 4x4 का ये ग्रुप बनाना है, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने खुद उसको एक्सप्लोर करना है वो कैसे होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि कोई आपके पास जब क्वेश्चन आए कि आप इस ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग मक्स, और मक्स का साइज़ मेंशन ना हो, तो फिर आपने इजीएस्ट वे इम्प्लीमेंटेशन का ये होगा कि जितने आपके ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स हैं आप वो ऐसा मक्स सेलेक्ट करें जिसके सिलेक्शन लाइंस इक्वल हो नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर 3 इनपुट्स थी, तो मैंने ऐसा सिलेक्ट यूज़ किया जिसके अंदर मक्स यूज़ किया जिसके अंदर 3 सिलेक्शन लाइंस थी, और उसको वो है 8x1 मक्स। तो वो सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन वो ये हो जाएगी। ओके, सेकंड वे ये है कि अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो आप ऐसा मक्स सिलेक्ट कर लें जिसके अंदर 2 सिलेक्शन लाइंस हो, वो 4x1 मक्स बनेगा। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देख ली इस पार्ट के अंदर। अब थर्ड वे ये था कि आप अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है कि आपने ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 2x1 मक्स, तो वो मैंने स्किप किया है, वो आप लोगों ने खुद उसको एक्सप्लोर करना है। उसका हिंट आपको बता देता हूँ, अगर आपने 2x1 मक्स यूज़ करना है तो उसकी एक सिलेक्शन लाइन होगी, तो ए उसका जस्ट ए यहाँ पे आ जाएगा, बाकी ए उसकी सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई हो जाएगा, बाकी उसकी आई ज़ीरो और आई वन पे बी और सी का कुछ पैटर्न या कुछ कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, तो उसको आपने खुद एक्सप्लोर करना है। ओके, अभी तक हमने किसी भी ट्रुथ टेबल को या बोलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के 7 वेज पढ़े थे, और वो कौन कौन से थे। फर्स्ट वे ये था, फर्स्ट और सेकंड वेज एसओपी और पीएस इक्वेशंस डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दें विदाउट के मैप सिंप्लीफिकेशन। थर्ड और फोर्थ वे ये था कि एसओपी और के पीओएस को आप सिंप्लीफाइड इक्वेशंस के मैप से ड्राइव करें। तो ये थर्ड और फोर्थ वे था फंक्शन या ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करने का। फिफ्थ और सिक्स्थ वे ये था कि नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट कर लें। सेवन्थ वे ये था कि आप डिकोडर को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंटेशन कर लें उस ट्रुथ टेबल की या बोलियन फंक्शन की। ये एट्थ वे है कि आप किसी भी बोलियन फंक्शन को या उसके ट्रुथ टेबल को मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर लें। और आगे मल्टीप्लेक्सर के डिफरेंट साइजेस भी पॉसिबल हैं कि आप 8x1 मक्स से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, 4x1 से भी कर सकते हैं, 2x1 से भी कर सकते हैं, 16x1 मक्स से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट जब हमने कर लिया, तो आप लोगों को किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के 8 डिफरेंट वेज आने चाहिए। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपके पास एक ट्रुथ टेबल गिवन है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप सर्किट ज़रा ड्रॉ करें इसका 8 डिफरेंट मेथड्स, तो आप उस सेम ट्रुथ टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 8 डिफरेंट वेज आपको आने चाहिए। हर वे से जो सर्किट बनेगा वो आपस में डिफरेंट होगा, लेकिन उस सेम ट्रुथ टेबल को वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे चैप्टर नंबर 4 की, कि अभी तक ऊपर जो हमने बोलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग मक्स देखा सिर्फ एक आउटपुट थी। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रुथ टेबल आ जाए जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हों, तो हम किस तरह उसको मक्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखने लगे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बोलियन फंक्शन यूजिंग मक्सिस, इम्प्लीमेंट या ड्रॉ द सर्किट फॉर डिज़ाइन प्रॉब्लम गिवन ऑन पेज 83 ऑफ द लेक्चर नोट्स यूजिंग मक्सिस। तो ये 83 पेज कवर, ये लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने एक ये एग्जाम्पल की थी, डिज़ाइन ए सर्किट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द 3 इनपुट्स ए बी सी। तो ये मैंने असाइनमेंट में भी आपको प्रॉब्लम दिया था, तो ये वही प्रॉब्लम हमने डिकोडर के साथ इम्प्लीमेंट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये उसका ट्रुथ टेबल था। अब मैं सेम इसी ट्रुथ टेबल को या इसी
सर्किट को मक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने वही ए बी सी एक्स वन एक्स जीरो ये ट्रूथ टेबल वहीं से ड्रॉ किया दोबारा यहाँ पे। अच्छा देखिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं क्योंकि साइज़ अवेलेबल नहीं है कि मैंने कौन से साइज़ का मक्स यूज़ करना है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 8x1 मक्स यूज़ कर लूँ इसके लिए या 4x1 मक्स यूज़ कर लूँ, तो दोनों पॉसिबल थे। तो मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की है वो 4x1 मक्स के साथ है। तो आप दोनों x1 और x0 को 8x1 मक्स के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने याद ये रखना है जब आप मक्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जितने आपके नंबर ऑफ़ आउटपुट वेरिएबल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ मक्सेज आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 और x0 दो आउटपुट वेरिएबल हैं, तुम्हारे पास जो सर्किट के अंदर मक्स आएंगे वो दो होंगे। ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक आउटपुट वेरिएबल था f, तो जब चाहे हम 4x1 मक्स यूज़ करें चाहे 8x1 यूज़ करें हमारे पास एक ही मक्स यूज़ होगा। तो मक्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का वे क्या है कि जितने नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स होंगे उतने ही मक्सेस सर्किट के अंदर आएंगे। ओके और इसको मैंने आपको बताया आप इसको 8x1 मक्स के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और 4x1 मक्स के साथ भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन शो की है वो 4x1 मक्स को यूज़ करते हुए। तो अब जब आपने 4x1 मक्स को यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं इनपुट के ए बी सी, ए और बी हमने सिलेक्शन लाइंस पे अप्लाई कर देना है, तो बाकी एक इनपुट रहेगी सी, तो उसके लिए हमने ये 2-2 का जो पेयर है वो बना लेना है। ये लाइनें जो मैंने शो की हुई हैं। अब मैं x1 का कॉम्बिनेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ। अभी देखें a0 b0, तो ये पहले मक्स का सर्किट भी आप देख लें, ये दो मक्सेस मैंने लगाए, ये x1 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये x0 को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 8x1 मक्स का यूज़ करें साइज़ का और यहाँ पे भी 8x1 मक्स यूज़ कर लें तो उसकी i0 से i7 तक इनपुट्स होंगी, तो वहाँ पे आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं 0 0 1 0 1 1, तो ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह x0 की भी अगर आप 8x1 मक्स यूज़ करते हैं तो उसकी भी i0 से i7 तक इनपुट्स होंगी, वहाँ पे ये डाटा 0 1 1 0 1 0 0 1 डायरेक्टली आप उसके इनपुट पे अप्लाई कर सकते हैं और आपका सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस केस में मैंने 4x1 मक्स को यूज़ किया है तो हर 4x1 मक्स के जो i0 i2 i1 i2 i3 के इक्वेशंस मैंने फाइंड करनी है। तो अब मैं x1 का वो पैटर्न ड्रॉ करने लगा। ये देखें जब a0 है a और b मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये देखें a s1 के ऊपर b s0 के ऊपर दोनों के मक्सेस में। यहाँ पे देखें जब a0 है b0 है फॉर x1 तो ये x1 का कॉलम बेसिकली x1 की इम्प्लीमेंटेशन को शो कर रहा है। a0 b0 तो i0 सेलेक्ट होगा इस मक्स का, तो यहाँ पे अगर आप देखें c0 है x1 तब भी 0 है, c1 है तब भी x1 0 है। इट मीन्स कि इस केस में जब a0 होगा b0 का x1 c के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, x1 की वैल्यू परमानेंट 0 है। तो आप इसको लिख दें f = 0, f इसकी इंटरनल आउटपुट है, तो यहाँ पे आपने i0 को 0 के साथ कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट देखें जब a0 है b1 है तो इसका i1 सेलेक्ट हो जाएगा, अगर c0 है तो x1 0 है, अगर c1 है तो x1 1 है। तो बेसिकली जो c की वैल्यू होगी वही x1 की वैल्यू, तो f = c। तो यहाँ पे i1 पे मैंने c अप्लाई कर दिया। इस तरह जब a1 होगा b0 होगा तो i2 सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर उस टाइम पे c0 है तो x1 0 है, c हमारे पास 1 है तो x1 1 है, तो इट मीन्स कि जो c है वही आउटपुट है, तो f = c। तो i2 पे हमने c कनेक्ट कर देना ये वाला। फाइनली जब a भी 1 है b भी 1 है, अगर c 0 है उस टाइम पे तो x1 1 होगा, अगर c 1 है तो उस टाइम पे x1 1 होगा। इट मीन्स दैट कि c के ऊपर x1 की वैल्यू इस केस में डिपेंड नहीं कर रही, x1 हमेशा ही 1 रह रहा है, f = 1। तो आपने यहाँ पे i3 को 1 के साथ कनेक्ट कर देना। इसी तरह अब ये x0 की इम्प्लीमेंटेशन है, a0 b0 जब 0 0 है दोनों तो ये i0 सिलेक्टेड है, उस केस में अगर c0 है तो x0 0 है, c1 है तो x0 1 है, तो जो c है वही x0 है, तो f = c। यहाँ पे i0 पे आपने c अप्लाई कर देना। जब 0 1 है तो i1 सिलेक्ट हो जाएगा, c 0 है तो x0 1 है, c 1 है तो x0 0 है,
तो जो सी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो इसको हम आई वन पे सी कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट ए वन बी ज़ीरो पे देखें, सी ज़ीरो है, एक्स नॉट वन है, सी वन तो एक्स नॉट ज़ीरो, तो सी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो एफ इज इक्वल टू सी बार, तो यहाँ पे हम सी कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लेंगे। फाइनली जब ए वन होगा, बी वन होगा, सी ज़ीरो है तो एक्स नॉट ज़ीरो है, सी वन है तो एक्स नॉट वन है, तो जो सी है वही एक्स नॉट आ रहा है इस केस में, तो आपने एफ इज इक्वल टू सी आया तो आई थ्री पे आपने सी यूज़ कर लेने। ओके, अब ये हमारा सर्किट इम्प्लीमेंट हो गया, तो सी ये हमारी सर्किट में क्योंकि तीन इनपुट्स हैं ए बी, तो ए बी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे दोनों मक्सीज पे, सी इनपुट देंगे नॉट गेट पे तो वो आगे बन जाएगा सी के कॉम्प्लीमेंट, जहाँ जहाँ पे सी आ रहा है वो यहाँ से कनेक्टेड है और जहाँ जहाँ पे सी बाहर आ रहा है वो नॉट गेट के आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा बेसिकली हमने एक ऐसा सर्किट, ये एक ऐसा टू टेबल जिसके अंदर दो आउटपुट्स थे उसको हमने 4x1 मक्स को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर लिए। और इसकी ईजिएस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, तो वो ऑब्वियसली अगर आप 8x1 मक्स यूज़ करते तो आपको ये I0, I1, I2, I3 की इक्वेशंस फाइंड ना करना पड़ती, आप डायरेक्टली जीरोज़ और वन को यहाँ भी लिख सकते थे, कॉपी पेस्ट कर सकते थे। तो वो यूजिंग 8x1 मक्स इसकी सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन वो भी पॉसिबल है, वो आप खुद कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये अभी हमने कंप्लीट कर दिया इसको, और आपके मिड 2 का जो सिलेबस है वो चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है।